अच्छा, और ये भी बता दूं, ये रिकॉर्डिंग जो होगी ना, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। अच्छा, अब चलें हम स्टार्ट करते हैं। जुबैर, आपसे स्टार्ट करते हैं। जुबैर, अपने बारे में बताइए हमें, आप कौन हैं और आप किस क्लास के अंदर हैं? ठीक है, मैं सर जुहेब नाम है मेरा। जुहेब नाम है, सॉरी सर। सो जुहेब साहब, ये बताएं आप कि आप किस क्लास में हैं, आपका स्कूल कौन सा है, आपने क्या यूटेक वाला प्रोग्राम कौन सा किया था, ठीक है, और आपके मेंटर कौन है। तो चार चीजें आप लोगों को बतानी है, ठीक है? हाँ साहब, जुहेब साहब आपकी बारी है बोलने की। जुहेब, आपको आवाज आ रही है मेरे बेटा? मेरा हाँ बोले। मेरा हाँ स्कूल मेरा फाउंडेशन है जी आ रही है। आप आ रही है बेटा, आप बोले जरूर से, दोबारा से एक दफा बेटा। मैं 4 क्लास में हूँ और मेरा क्लास स्कूल है मेरा फाउंडेशन। अच्छा, और आपका आपको आपने क्या यूटेक वाला प्रोग्राम किया था? जी रोबोटॉनिक्स का किया था। रोबोट्रॉनिक्स का किया था। और आपके मेंटर का नाम क्या है? आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? मेंटर मैंने बताया था ना कि मेंटर वो बन होगा जो आपको मेरी जी अम्मी करती है। अम्मी करेंगी आपकी, ठीक है। मेरे और आपको हमारे प्रोग्राम के बारे में किसने बताया था? कजन क्या नाम है उन कजन का? ने मास माज ने बताया था। अच्छा, तो ये हिफ्जा, ये जो है मेरा ख्याल है फिर वो माज, जो हमारे माज उस्मानी मेरा ख्याल है, यस सर, मास हुसैनी की कजन सैनी, वो सैनी के, चलें ठीक है, लिख लें उनको, उसके नाम से ही लिख लें। तो बेटा है। यस सर, आप जुहेब, आपका ना माज भाई जो होंगे वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा। सही है। चलें जनाब अली, अब ये मुझे नहीं मालूम इन क्या इनफिनिक्स कौन है, आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं। इनफिनिक्स आप म्यूट हो बेटा। मेरा नाम अरीशा है, अरीशा अयाज, और मैं स्टैंडर्ड एजुकेशनल सिस्टम में पढ़ती हूँ। 9 क्लास की स्टूडेंट हूँ। आपने बेटा कौन सा प्रोग्राम किया था यूटेक का? कैनवा एंड डिजिटल मार्केटिंग। कैनवा एंड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद अशाल सैयद, अशाल सैयद साहब आप बताइए अपने बारे में बेटा। आप म्यूट हैं, अपना माइक को ऑन करिए। सर क्या मैं 9 क्लास में हूँ और मैं मेट्रोपॉलिटन एकेडमी में पढ़ती हूँ। मेट्रोपॉलिटन पढ़ती हैं, तो आप मेट्रोपॉलिटन में, आपको किसने बताया था प्रोग्राम के बारे में? मैडम अजरा ने, जो स्टैंडर्ड एजुकेशनल की मैडम, मैडम अजरा। मैडम मेजरा ने आपको बताया? अच्छा, आपने कौन सा प्रोग्राम किया था शायद, मैंने भी यूटेक में कैनवा और डिजिटल मार्केटिंग का। और ये आपके साथ कौन बैठे हुए हैं? ये मेरे भाई हैं। जब भाई अस्सलाम भाई, वालेकुम। वालेकुम असलाम भाई साहब, आप अपना भी इंट्रोडक्शन कराइए। मेरा नाम सैयद अहमद सुबहान है, मैं भी मेट्रोपॉलिटन एकेडमी में पढ़ता हूँ और हमें हमारी मैडम अजरा SES की मैडम है, उन्होंने बताया था। और मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ और क्या नाम है, हमने कैनवा डिजिटल मार्केटिंग में वो कोर्स किया है। मेट्रोपॉलिटन में कोई मैडम रूबी हैं आपको पढ़ाने वाली कोई? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपने भी डिजिटल मार्केटिंग करी थी?
जी टी मार्केटिंग और कैनवा। अच्छा, कैनवा भी किया था आपने साथ साथ। अच्छा मिसबा, आप बताओ बेटा, आप किसको रिप्रेजेंट कर रही हो? मेरा नाम मिसबा वसीम है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ खातून पाकिस्तान कॉलेज में, और मैंने यूटेक से मशीन लर्निंग का कोर्स किया था और हमारे मेंटोर आप ही हैं। तो ये बताओ, तो तुमने छुटकी को क्यों छोड़ दिया? वो कह रही है मेरे पास तो कोई नहीं है। हफ्सा कह रही है मेरे पास तो कोई पार्टनर ही नहीं है। तो मैं लास्ट टाइम वो नए लोगों के साथ किया था प्रोजेक्ट कार्ड पुलिंग ऐप में, तो उन्होंने कहा कि इस बार भी हम प्रोजेक्ट साथ ही करेंगे। अच्छा, और उन्होंने हिफ्सा को बाहर निकाल दिया, कान पकड़ के हैं। ये तो नहीं वो बड़ी बात है। मैंने हम सबको कहा था कि वहां पे यूटेक पे इतने सारे बच्चे, मैंने इसकी ग्रुपिंग की थी एक दो के साथ। अच्छा कोई बात नहीं, हिफ्सा तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करेंगे हम, ठीक है? अच्छा, तो तुमने कौन सा किया था मिसबा? आपकी दफा प्रोग्राम मशीन लर्निंग मशीन लर्निंग का प्रोग्राम किया था पूरा। अच्छा जी। ठीक है। अरीशा साहब, आपकी तस्वीर नजर नहीं आ रही बेटा, लाइट गई हुई है? नहीं सर, नहीं बिल्कुल अंधेरा है भाई। इतना बिल्कुल सर, ठीक है। अस्सलाम हाँ बिल्कुल बेटा, बताएं अपने बारे में जल्दी से बेटा। वालेकुम सर, मेरा नाम अरीशा अकबर है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ नासरा कॉलेज में, और मेरी मेंटर है अनम फारूक। अच्छा अनम है, चले जनाब, अनम भी बराबर में बैठी हुई है। अनम आप बताएं अपना, आपके साथ कौन है इस वक्त? और मैं 8 क्लास से हूँ, और मेरी मेंटोर सनम आप ही हैं, मेरी बहन माय सिस्टर, और मैंने यूटेक का रोबोट्रॉनिक्स कोर्स किया था। अरे अरीशा, मैं पूछना भूल गया, आपने कौन सा प्रोग्राम किया था? सर मैंने भी रोबोट्रॉनिक्स किया था ठीक है, तो सही है। अजाम, और कोई आपके आपके साथ और भी है कोई अनम? जी सर। फसी शाहान और अब्दुल्ला शाहान, उन लोगों ने भी यूटेक से किया था। फसी वो लोग हैं इस ग्रुप में नजर आ रहे हैं जी, आपको? फसी है इसमें, मैं देखती हूँ। जी सर फसी है। फसी फसी हैगा, ठीक है। उसने भी क्या किया था फसी ने? ने पाइथन वाला किया था यूटेक से। अच्छा तो अच्छा हो गया, तो एक ने यूटेक में पाइथन किया, दूसरों ने दूसरी चीजें करी। ठीक, मुदस्सिर आप बताइए अपने। हेलो, अस्सलाम सर, माय नेम इज मोहम्मद मुदस्सिर और मैं खतीजा गाजी स्कूल से हूँ। मैंने डिजिटल मार्केटिंग और कैनवा डिजाइनिंग का कोर्स किया बहुत अच्छी है, बात है बेटा। और मुझे है ना, मेरे स्कूल की मैडम खतीजा गाजी की मैडम नासरा मैम नासरा ने बताया था इस कोर्स के बारे में। ठीक है ठीक है, चलें जनाब। जैनब, जैनब आप बताइए। आपकी म्यूट है बेटा, अनम्यूट करें अपने आप को पहले। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ सनम सीशान, और जो है मुझे मैम नासरा ने इसके बारे में बताया था। मैम नासरा ने सपोर्ट किया था, वो है मेरी मेंटर, और मैं खतीजा काजी अली मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल से हूँ, और मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ। और आपने कौन सा कोर्स किया था बेटा? कैनवा कैनवा एंड डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हफ्सा वसीम, आपने कौन सा कोर्स किया था बेटा इस दफा? जोर से। आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने यूटेक से रोबोटॉनिक्स का कोर्स किया था। अच्छा, और एक किया था सिर्फ या दो किए थे आपकी दफा? नहीं, एक ही किया था। एक किया था, चलो ठीक है। चलें जनाब, अब उमामा का नंबर आ गया। म्यूट कर ले, अनम्यूट करिए पहले ये बात।
नहीं अभी तक नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ। इसको इस तरह रख लो, अब करने की कोशिश करो। हाँ आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमाम फातिमा है, मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ और मेट्रोपॉलिटन स्कूल में पढ़ती हूँ। आप मेट्रोपॉलिटन में, और आपको किसने बताया और आपने क्या पढ़ा? मैंने कैनवा एंड डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था और मुझे मैडम अजरा ने बताया था। क्या जनाब अली, ठीक है। नासरा आबिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो आपके अच्छे खासे बच्चे यहाँ मौजूद हैं अभी। जी बिल्कुल, जिन सब ने ये कोर्सेज अटेंड किए उन सबको हमने प्रमोट किया कि ये मीटिंग अटेंड करनी है। और मेरे साथ मेरे 3 टीचर्स भी आज साथ ऑन बोर्ड हैं इसी मीटिंग में। वो लोग अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि इस पूरे प्रोग्राम को मेंटोर करेंगे इनशाला इन बच्चों के साथ। सो आई वॉन्टेड देम टू अटेंड। सो बाकी जो बच्चे सुन रहे हैं, बाकी जो लोग देख रहे हैं, आई एम नासरा आबिद, प्रिंसिपल खदीजा काजी अली मेमोरियल हाई स्कूल, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। थैंक यू। थैंक। तो उसमें हम ये करेंगे कि अच्छा है कि टीचर्स हिस्सा ले रहे हैं ताकि उनकी भी ट्रेनिंग हो जाए। अगर वो लोग थ्रू आउट इसमें ज्वाइन रखेंगे तो उनको भी इसके करिकुलम के बारे में और इसका जो प्रोसेस है उसके बारे में समझने में भी आसानी होगी। दूसरा ये कि अगर टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी तो जो NED स्कॉलर्स के जो स्टूडेंट्स हैं NED के जी अंदर और दूसरी यूनिवर्सिटीज में, वो भी आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने तो टीचर्स को ऑन बोर्ड रखा है, एंड तीनों जरा सा टेक्निकल माइंडेड टीचर्स हैं एंड इनोवेटिव भी हैं, तो मुझे लग रहा है दे कुड बी गुड फैसिलिटेटर्स टू दीज बच्चा। तो इनशाला दे विल बी गुड मेंटर्स। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। अरहम सिद्दीकी साहब, आपकी वीडियो ऑन नहीं है बेटा। अच्छा अब अरहम, अब देखो ना मुझे भी कितना बड़ा, यानी कि मैं पहचान ही नहीं सका कि कौन कौन है। अब ये तुम लोग तस्वीर दिखाओगे तो एक तो उन लोगों के नाम माशाल्लाह ऐसे हैं कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुने हैं। ऐसे ऐसे नाम रखते हो तुम लोग, तुम्हारी अम्मा अब्बा ने बड़े खतरनाक खतरनाक नाम रखे हैं मैं तुम लोगों के। अब इतना आसान सा नाम है जैनब, अब बोल भी सकता है आदमी, बता भी सकता है, तो पता नहीं कैसे। तो अब तुम मुझे सबसे पहले तो ये बताओ तुम्हारे नाम का मतलब क्या है। म्यूट हो अभी भी। सॉरी, मेरा नाम इरहम सिद्दीकी है और इरहम का मतलब है रहम करने वाली। अच्छा ठीक है, अब समझ में आ गया मुझे। आप बताएं अपने बारे में थोड़ा सा बेटा। मेरा नाम इरहम सिद्दीकी है एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ खदीजा गली मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं मैट्रिक में पढ़ती हूँ अभी और मैंने डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था। अच्छा मेरी हमारे मेंटोर जो है वो मैम नास्ता अच्छा चलो ठीक है। अब आ जाइए हमजा साहब के पास। सर। वाले सलाम। माय नेम इज एंड आई एम स्टेम टीचर ऑफ खदीजा काजी और बच्चों को समर वेकेशन में मैं ही लेके आया था, तो मैंने भी क्लासेस इस तरह से ज्वाइन करी और बच्चों के साथ रहा मैं। अच्छा, दैट्स नाइस, माशाल्लाह से नाइस। चलें हम भी सीखेंगे आपसे, आप हमसे सीखिएगा। इंशाल्लाह सऊद आप बताएं अपने बारे में बेटा। हाँ चलेगा। हाँ सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मोहम्मद सऊद है और मैं खदीजा काजी अली स्कूल से हूँ। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ मैट्रिक में और मैंने डिजिटल मार्केटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था अच्छा यूटेक से। यूटेक से किया था। चलिए मुझे लग रहा यह है कि हमें खदीजा काजी के स्कूल के स्टूडेंट्स को और लोगों के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा।
इसलिए कि ये सारे के सारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं, या तो फिर ऐसा प्रोजेक्ट लाना पड़ेगा जो कि बहुत बड़ा हो और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो बिजनेस के ऊपर, फिर देखते हैं कि आपकी मार्केटिंग कैसी होती है उसकी। चलो सही, देखते हैं। गुड गुड गुड। अच्छा जनाब अली, ये थे कौन कौन था अभी? चलें जनाब, फसी आप बताएं अपने बारे में। फसीउल्ला, फसीउल्ला आप बताइए अपने बारे में। जी अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ आ रही है जी बिल्कुल। जी। मेरा नाम फसीउल्ला और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और मेंटोर मेरी अनम फारूक, अच्छा सेकंड ठीक। ईयर में भी आपने, गुलशन कॉलेज से कर रहा हूँ। अच्छा, और आपने क्या सीखा था वहां पे? अच्छा, मैंने पाइथन एसेंशियल पाइथन लेवल वन। एसेंशियल सीखा था। चले सही है। अच्छा आप एक काम और कीजिएगा, जितने भी मेंटर्स हैं ना, वो अपने स्टूडेंट्स के नाम जो हैं और उनकी रिहाइश किधर है, सिर्फ इलाके का नाम लिखकर है ना, हिफ्जा वसीम को डीएम कर दीजिएगा आप लोग। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ जो ग्रुप्स होते हैं वो हम ऐसे बनाते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ बनाएं, हम किसी और स्कूल के साथ भी बना सकते हैं उसे। और उसका मकसद ये होता है कि एक्सपर्टीज़ जो आप लोगों ने सीखी है ना, वो मुख्तलिफ होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं होता उस बनाने के अंदर सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। बाज़ दफ़ा उसकी दूसरी चीज़ें जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि आप उसको मार्केट कैसे करोगे, किस तरह बेचोगे, किसको बेचोगे, कहाँ बेचोगे। अच्छा, ये तमाम चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब जो मैं देख रहा हूँ कि ये तमाम पूरा जो सिस्टम है, जो जिस तरह चल रहा है उस सिस्टम के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हमारे लिए कि हम ये चीज़ देखें कि किस तरह से हम आप लोगों को मिला सकते हैं। उसमें ये भी फायदा होगा कि आप नए लोगों से मिलेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, उनसे आप कुछ सिखाएंगे, वो आपको कुछ सिखाएंगे, कुछ नहीं तो एक अच्छा सा एक ग्रुप बनेगा जो एक दूसरे को समझ सकेगा, जो कि दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना एक दूसरे को। ठीक है, फसी के बाद अयान आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी। सर मैं क्या नाम है, मैं 9th क्लास का स्टूडेंट हूँ स्टैंडर्ड एजुकेशनल सिस्टम में, और हमारी मेंटर मैडम अजरा नाज है। अच्छा, और आपने बेटा क्या किया था यान? सर डिजिटल मार्केटिंग एंड कैनवा डिजाइनिंग का कोर्स यूटेक से। आपने भी डिजिटल मार्केटिंग। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग मैट्रिक और 9th और मैट्रिक में हैं, उन्होंने ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है। ये अच्छी बात है, इसलिए कि ये आपको एक नया ऑप्शन देता है कुछ पैसे बनाने के लिए, जरिया खोल सकता है इंशाल्लाह। अच्छा अजरा, आप अब भी अपना इंट्रोडक्शन कराने बेटा। आप म्यूट हो बेट अजरा। अब म्यूट हो गई है फिर से। हाँ देखिए ना, एक्सपर्ट को बुलाएं आप। चले, हाँ ये एक कोई एक वाला अनम्यूट करते हैं। हाँ इसको अनम्यूट कर दें फोन को। ठीक हाँ है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक, अल्लाह का शुक्र। सबको सलाम और सबको बहुत बहुत मुबारक कि बहुत अच्छा सक्सेसफुली बच्चों ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, और इंशाल्लाह आगे भी बच्चे जो है इसी तरीके से इस कोर्स को करेंगे। कुछ बच्चे सर मेरे ज्वाइन नहीं कर पाए क्योंकि हमारे एरिया में आज थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम थी बारिश की वजह से, तो कुछ बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है तो इस वजह से, बाकी ये कि बाकी सब बच्चे हैं। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि जो लोग नहीं हैं यहाँ पे उनको पता चल जाए कि
कि आप कौन है। अच्छा, मैं स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम की प्रिंसिपल हूँ, अजरा नाज। और अभी हमारा ये चौथा साल है स्कूल को, छोटा सा स्कूल है, ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है हमारे स्कूल की। फेडरल बी एरिया के इलाके में हमारा स्कूल है, स्ट्रेंथ कम है अभी, हमारे पास स्टूडेंट्स भी कम है। इसी वजह से हमारे जो ये डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चे थे उनकी एज हमारी मैच नहीं कर रही थी। तो लेकिन जितने भी बच्चों ने किया सर, बहुत अच्छा सीखा है, वो बहुत जबरदस्त रहा उनके लिए। और हाँ, बस आगे प्रोसीजर जो है उसके लिए करने के लिए उनको जरूरत है कि उन्हें थोड़ा सा और ग्रूम किया जाए। ठीक, तो इसमें अब ये है कि और ये मैं नासरा आपसे भी कहूँगा कि क्योंकि बच्चे जो हैं वो घरों में होते हैं इस वक्त, तो हमें ये देखना होगा कि कोई ऐसा टाइम जिसके अंदर यानी कि मैं सो नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 9 घंटे का डिफरेंस है, तो इस तरह से किया जाए कि बच्चे या तो आप एक जगह क्लासरूम में बुला लें सबको, या अगर वो इवन घरों में भी हैं तो उनका किसी ना किसी तरीके से रापता होना चाहिए एक दूसरे से। आप जैसे आज ये तो यानी कि ये तो कॉमन प्रॉब्लम होगा ना कि वहाँ पे बिजली नहीं है, कहीं आ नहीं रही है बिजली, ये तो एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होगा, तो इसको देखना होगा हमें थोड़ा सा। तो मैं और हिफ्जा आप लोगों से इस सिलसिले में अलग से बात कर लेंगे, या जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसी के ऊपर हम लोग इसको एड्रेस कर लेंगे। अच्छा जनाब अली, नेक्स्ट कौन है? जनाब अयान हो गए थे, सऊद आप बताएं अपने बारे में जल्दी से। सर, दिस इज सऊद मंसूर फ्रॉम खदीजा कादरी अली मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड आई एम अ जूलॉजी टीचर। माशाल्लाह, दैट्स नाइस, वेरी नाइस। और मेरे चलें ठीक है, आप हाँ बताएं जो सबूत और। कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर EMU इवेंट में पार्टिसिपेट किया था और उसमें मेरी ये कुलीग भी थी। अलहमदुलिल्लाह, हमें बहुत कुछ नई चीजें सीखने को मिली थी, और शायद इस साल भी हम इसी वजह से इस जगह आए हैं कि हम और मजीद कुछ नया सीख सकें। नहीं ये तो अच्छा है, अगर आप लोग आए थे तो अब आपको एक एक्सपीरियंस तो हुआ कि क्या था वहां पे, तो अब की दफा आप लोग और जोरों शोर से आएंगे, यकीन है मुझे। हाँ अच्छा जनाब, चलें सऊद रिजवान साहब आप अपने बारे में बताएं। अस्सलाम सर, वाह मैंने बता दिया, वैसे फिर से बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सऊद है और मैं क्लास मैट्रिक से हूँ, खतीजा काजी अली स्कूल से। हाँ, मुझे याद मैंने आ गया, मेजर में ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया था। मुझे याद आ गया, आपको दोबारा बुला लिया, कोई बात नहीं। चले इरफाना आप बताइए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम इरफाना जमील, वर्किंग इन खदीजा गाजी अली मेमोरियल हायर सेकेंडरी स्कूल एज अ कंप्यूटर साइंस टीचर। awesome. चले आपकी तो बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी हम लोगों डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। को। हाँ भैया, आपके आपको अपने बच्चों को तैयार करवाना है, और हम ये करेंगे कि क्योंकि आपके बच्चों ने ज़्यादातर है ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया है ना, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक जब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे ना प्रॉब्लम्स को, मैं आज बता दूंगा कि क्या करना है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, सबको तैयारी, तो उसमें आसानी होगी फिर हमको ये मालूम करने के लिए किस किस को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोहम्मद हसन इसहाक, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम असलाम। माय नेम इज मोहम्मद हसन इसहाक एंड आई एम फ्रॉम खतीजा काजी अली मेमोरियल हाई स्कूल एंड आई स्टडी इन क्लास मैट्रिक। एंड मैंने डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स यूटेक से करा। अच्छा हसन, ये बताएं कि इसके अलावा आपको किस चीज़ का शौक है? डिजिटल मार्केटिंग सर, हो गई, इसके अलावा आपको किस चीज़ का शौक है? इसके अलावा मुझे कोडिंग का शौक शौक है।
आपने कुछ कोडिंग करी कभी जिंदगी में इससे पहले? नहीं करी तो नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आगे जाके कोशिश जरूर करूंगा। अच्छा, तो मैं तमाम टीचर्स को ये बता दूं कि आप एक काम ये करें कि जो बच्चे कोडिंग के अंदर इंटरेस्टेड हैं उनका एक अलग से एक लिस्ट बना के आप हिफ्जा को भेज दीजिए। तो कोडिंग के अंदर हम स्टार्ट करेंगे पहले पाइथन से, और उसके बाद फिर मशीन लर्निंग की तरफ जाएंगे उसको लेके। तो ये एक दो चीज़ें हैं। हिफ्जा, एक बात और तुम याद रखना कि वो यस सर। शहजाद से कहना कि मशीन लर्निंग का और रेसबरी पाई और आर्डिनो का, जो हमारे अपने एनईडी स्कॉलर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए कोर्स करवाना है। तो मैंने बात करी है, तो उसको कह देना, कहना मुझसे कांटेक्ट कर ले इस सिलसिले में। ठीक है सर। चलें जनाबे आली, हम हो गई हैं, सऊद हो गए हैं, फसीउल्ला, फसीउल्ला शाहीन, मुदस्सिर, मुदस्सिर जी मेरा हो गया सर। हो गया आपका? शायद नहीं यार, हो ही गया है। ज़ैनब का भी हो गया है, माहम, माहम इमरान, माहम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अच्छा। वालेकुम, माय नेम इज माहम इमरान एंड आई एम फ्रॉम खतीजा गाजी अली मेमोरियल हाई स्कूल। और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने यूटेक से ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करा था। और हमारी मेंटोर का नाम मैम नासरा। ठीक है, अरब हो गए, अयान हो गए, सऊद हो गए, एहसन हो गए, सऊद मंसूर हो गए, फसी, जैनब, जैनब जीशान, जी सर, मेरा हो गया। अच्छा जनाब फिरोज, फिरोज हसन, हुसैन, फिरोज हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, वो अपना वीडियो तो ऑन करो यार, शक्ल तो देखे हम आपकी। असल में मेरा ना कैमरा एक्सेस नहीं हुआ, मैंने जूम ऐप जो ना अभी डाउनलोड किए, तो इस वजह से ना। चलिए बताएं अपने बारे में। माई सेल्फ हिबा फातमा, आई एम द स्टूडेंट्स ऑफ खतीजा गाजी अली मेमोरियल हाई स्कूल और माई मेंटोर इज नासरा आबिद। और आपने भी डिजिटल मार्केटिंग और कैनवासी का था? ग्राफिक डिजाइनिंग। अच्छा जनाब, जी ये जी फिरोज हुसैन कौन है? वो मेरे फादर के नेम से बना हुआ है। जी अच्छा, अब्बू के नाम से बना। अच्छा अच्छा जनाब, ये अल्लामा रजा कौन है जनाब? आप इनका नंबर है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अयूब साहब, क्या हाल चाल है आपके? करम अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिया से। सर आप सुनाइए, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का, बेहतर है अल्लाह का शुक्र। आपके मेरा नाम बच्चे मोहम्मद होंगे? अच्छा अयूब। मेरे बच्चों को मैंने इनवाइट किया था, मुझे बड़ी ताखीर से जो है ना इस हवाले से आगाही मिली है, तो मैंने शॉर्टली तमाम बच्चों को तो मैंने लिंक वगैरह शेयर किया है, लेकिन शायद वो बर वक्त हाजिर हो सकता है, कोई फंक्शनल कोई मसले मसाइल दरपेश हो या नेट की प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से बहरहाल हाजिर ना हो सके, लेकिन मैं बजाते खुद जो है ना वक्त की पाबंदी के साथ हाजिर हुआ, इसलिए कि मैं उन बच्चों की बहरहाल नुमाइंदगी कर सकूं, क्योंकि ताखिर से मुझे इस हवाले से आगाही हुई है, वगरना तमाम स्टूडेंट्स को मैं जरूर या तो फिर मैं इनको इदारे में बुला लेता, मेरा लेकिन मैं ख्याल है, जरूर हाँ इस मैं यही मीटिंग के कहने अंदर वाला आऊंगा। था अयूब साहब, मेरा ख्याल है बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपने बच्चों को अपने उधर बुला लें, स्कूल में बुला लें, और
हमने जैसे कहा था ना कि वहां पे स्कूल के जी अंदर जी कुछ तो कंप्यूटर्स मौजूद हैं, और जो चीजें जी होंगी जी फिर हम देख लेंगे उसे कि किस तरह से उनको करना है। और मैं फिर उमेद साहब से बात कर जी लूंगा कि और क्या चीजें होनी चाहिए उस सिलसिले में। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप एक अभी जो हम करेंगे बच्चों के साथ, आप ये उनको बता दीजिएगा कि हमने अभी क्या आज के प्रोग्राम में अभी बच्चों के साथ जो हम जी एक्टिविटी करेंगे, जो नया काम करेंगे ना, वो आप उनको बता दीजिएगा, ठीक है ना। जजाकअल्लाह, आप शायद लोग आई थिंक हो सकता है कुछ बच्चे जो है ना जो ज्वाइन भी कर चुके हों। आई थिंक अच्छी उम्मीद है शायद के सर, उम्मीद है आपकी तबीयत भी ठीक होगी और अल्लाह पाक मजीद जो है ना आपकी तबीयत में वो सद दे और आपको हिम्मत और इस्तताद दे कि आप इस नए काम को तवील वक्त तक जारी रख सकें। अच्छा, इन हमारे इन तमाम जो बच्चे हैं उनमें से एक बच्ची इरहम नाम की बच्ची थी। मैंने कहा थोड़ी सी जो है ना इसलाह होनी चाहिए, तो उनका नाम इरहम इस्तेमाल किया गया। इरहम नहीं इस्तेमाल होना चाहिए बल्कि इसको अरहम रा के जबर के साथ इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, इसकी वजह यह है कि अगर हम रा के जेर के साथ इरहम इस्तेमाल करते हैं तो इसका माना होगा मकरो फरेब करने वाला, और जब हम रा के जबर के साथ इस्तेमाल करेंगे अरहम तो इसका माना होगा इसमें तफजील ज्यादा रहम करने वाला। तो अब माने के अंदर बहुत डिफरेंस है, इसको जो है नाम लेते वक्त या नाम आगे देते वक्त जो है ना इसको जरूर लिहाज रखना चाहिए, अरहम लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए ना कि अरहम इरहम, इरहम रॉन्ग है। अरहम तो अरहम जो जी क्या अरहम इस्तेमाल, तो अरहम जो है क्या फिर अच्छा ये अरबी के अंदर, जी अरबी के अंदर असल में ग्रामर सेक्शन ये है कि जबर जेर से मानने के अंदर तब्दीली आ जाती है, और जब हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं अगर जेर की जगह हम जबर पढ़ देंगे तो उसमें माने के अंदर बदलाव आ जाता है, और जब माने के अंदर बदलाव आ जाए तो फिर वो जो नफ्से कलीमा है जो अल्लाह करीम हमसे कुछ कहना चाह रहा है तो उसके अंदर जब बदलाव आ जाता है यकीनन फिर पूरा मफहूम पूरा माना ही चेंज हो जाता है, तो उल्टा सवाब के बजाय गुनाह मिलने। तो इसी तरीके से बना यही है, जब हम किसी को नाम यूज करें तो इसको अरहम इस्तेमाल करें ना कि इरहम इस्तेमाल करें। इरहम रॉन्ग है, इसका माना गलत आ रहा है। इरहम का जो माना है वो फरेब करने वाला, धोखा देने वाला। जी जी दे। तो इसका मतलब है कि स्पेलिंग जो होनी चाहिए वो ई के बजाय ए से होनी चाहिए। अगर ए जी करेंगे ये तो भी वो अरहम पढ़ा जाएगा वो। अरहम पढ़ा जाएगा डेफिनेटली। देखे, हमने एक नई चीज सीखी आज, शब्द। जजाकअल्लाह जी, ये तो बड़े जबरदस्त आपने बात बताई है हम लोगों को इस वक्त। चलें ठीक है, मैं फिर अयूब साहब आपसे फिर मैं इस सिलसिले में और आगे बात करूंगा। अच्छे जनाब अली फिरोज, जी इब्राहिम लोधी, आप बताएं बेटा अपने बारे में। हाँ अस्सलाम वालेकुम, आई एम इब्राहिम जी, लोधी, आई एम करंटली स्टडीइंग फॉर माय ओ लेवल एग्जाम्स प्राइवेटली। आई एम हाईली पैशनेट ऑन मैकेनिकल एंड एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग एंड आई हैव मेड माय ओन प्रोजेक्ट्स इन द पास्ट टू इयर्स टू बी प्रेजेंटेड इन वेरियस साइंस फेयर्स। ठीक है बेटा। आप तो आज के वाले प्रोग्राम के अंदर, अब हम हमारे पास 20 मिनट और बचे हैं। एक मिनट जरा, मैं इससे पहले के मेरा फोन गलत हो, एक मिनट जरा। चलो, तो कोई रह तो नहीं गया। पहले पहली बात तो यह है कि कोई सबकी इंट्रोडक्शन हो गई है। चले सही है, अब हम आगे चलते हैं आज के प्रोग्राम के अंदर। आज का जो एजेंडा था उसमें यही था सबसे पहले कि हम आपको तीन चीजों करानी थी। पहला था कि इंट्रोडक्शन टू जूम, वो हमने आपको बताया कि जूम किस तरह यूज करना चाहिए आप लोगों को। और मेरा ख्याल है
जिसको समझ में आया उसने अभी थम्स अप किया था जब मैंने कहा कोई कि अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो उसका मतलब है कि मैं वो वाली बात पहुंच गई आप लोगों तक। उसके बाद हम जो सेकंड चीज हमने कही थी वो इंट्रोडक्शन था, वो हो गया। अब हम आते हैं एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ। तो डे टू डिजाइन जो प्रोग्राम है आपका जिसमें आप शिरकत कर रहे हैं, ये हिस्सा है एक और बड़े प्रोग्राम का, वो कहलाता है EMU इन्वेंट। वो एक कंपटीशन है जिसमें आप लोगों में से कुछ लोगों ने शिरकत करी थी मार्च के अंदर, NED के अंदर हुआ था वो। तो आप करते क्या हैं कि आप डे टू डिजाइन में ये सीखते हैं कि दुनिया में इन्वेंशन कैसे होती है, आप किसी चीज को इन्वेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इन्वेंशन का नाम लेता हूं तो इसके अंदर कई चीजें शामिल होती हैं। आप में से कोई बता सकता है कि ये जो मैं हाथ में मेरे चीज है, ठीक है, ये जो हाथ में मेरे चीज है ये क्या है? कोई भी मग अपना मग मग। और कोई बताएगा मेरे हाथ में क्या चीज है ये? इट्स अ मग मशरूम और कोई कोई नई चीज? इट्स ठीक है, चलें जनाब, ये तो हो गया मग। ये बताएं ये किस काम आता है, ये किस काम आता है? टू ड्रिंक समथिंग किसने कहा था टू ड्रिंक समथिंग? जन्म सीशान हाँ, दूसरे किसी और ने वाटर का कहा था, वो कौन है, जरा जोर से बोले एक दफा। मैं कह रही थी कि वी कैन कॉल इट अ डिवाइस व्हिच वाज इन्वेंटेड बेसिकली टू होल्ड लिक्विड्स लिक्विड्स, ओके, एनीबडी एल्स? अच्छा, अब ये तरीका यही है कि अगर आपको कुछ बोलना है तो पहले हैंड रेस करना है ताकि मुझे पता चल जाए कि किसका नंबर है। तो देखिए, ये बहुत ही अच्छी बातें करी हैं आप लोगों ने कि ये डिवाइस है एक तरह की, ठीक है ना, लेकिन इस डिवाइस का मकसद जो है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसको कुछ पीने के काम में लाएं, आप इसको होल्ड करने के लिए भी ला सकते हैं, कुछ चीज रख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो रख सकते हैं चीज, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि कोई आप इसके अंदर स्टोरेज कर लें किसी चीज की। अब वो लिक्विड भी हो सकता है और वो सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन जिस बंदे ने ये बनाई थी ना, उसका इंटेंशन क्या था, मारी। उसकी सोच के मुताबिक वो इसके अंदर लिक्विड रखना चाह रहा था, ठीक है। और लिक्विड रखने का मकसद क्या होता है कि लिक्विड क्योंकि तमाम चीजों के अंदर कंप्लीटली सराउंड करता है, हर चीज को सराउंड करता है, तो उससे उसकी जो वॉल्यूम होता है ना वो कवर होता है। अदरवाइज अगर आप सॉलिड रखेंगे चीजें, तो मिसाल के तौर पे मैंने अगर ये इस तरह के बैटरी डाल दी इसके अंदर, तो क्योंकि बैटरी का शेप होता है ना और इसका भी एक शेप है, तो जरूरी नहीं है कि वो शेप जो है तक इससे मैच कर जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी जो डिवाइस आप बनाते हैं ना दुनिया के अंदर, उसका एक तो मकसद वो होता है जो कि इन्वेंटर ने सोचा है, और दूसरा मकसद वो होता है जो जो उसको इस्तेमाल करने वाला सोचता है। हाँ जैना, बताएं आप। सर अजान हो रही है, थोड़ा सा ब्रेक दे दें। मगरिब कौन सी अजान है इस वक्त भी? ओके 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 ओके। दस मिनट का ब्रेक ले लेते, आप लोग नमाज भी पढ़ लें साथ साथ, और मैं जाके अपने लिए, मैं तो फजर पढ़ के बैठा हूँ, तो मैं जरा कॉफी ले आऊँ अपने लिए। तो आप लोग जरा अपना अपना नमाज पढ़ें, मैं अपने कॉफी लेके आता हूँ अपनी।
तो मेरा एक बार के लिए टाइम क्या बना क्या बोलिए खाना कोई देर था ना मैं दूर खाने इसके लगाया फोन पे को रुक जाओ क्या खाए क्या बनाए मत फोन पे पता कुछ नहीं क्या बनाए क्या बनाए जो खाना मैंने खावा सिंगापुर सर कहाँ गए? सर सर बोल रहे मैंने तो अभी फजर की नमाज पढ़ी है आप लोग फजर की नहीं पढ़े फजर नमाज पढ़ी है फजर करवा की क्यों ऐसे ही बाहर है वहां मैं था अच्छा हम मेरे घर में ना हमें फ्रेजर के लाइफ को कोई भी नहीं कराता था क्यों उन्होंने पता नहीं भी रख दिया क्या करवाना चाहते करवाना चाहते हैं चार होती है कोडिंग की होती है लैंग्वेजेस वॉइस चुप हो जाओ चुप हो जाओ माइक बना भाई कौन है गेमिंग
हाँ भाई, नमाज का टाइम खत्म हुआ, ये हो गई। अब कितने मिनट हो गए हम लोगों को, मैं चेक नहीं किया था उस वक्त। हाँ चलें, सही है, लेट्स स्टार्ट। तो मैदान, हम ये कह रहे थे कि जब इंसान, जब इन्वेंटर जो होता है, कोई चीज इन्वेंट करता है ना, तो उसके दिमाग में एक कुछ चीज होती है कि वो जो भी चीज बना रहा है उसका मकसद क्या है। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक और ये एग्जाम्पल है, ये एक बैटरी है, ठीक है ना, छोटी सी बैटरी है। तो जिसने बनाया था उसका मतलब ये था कि इस बैटरी को किसी मखसूस जगह पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेकिन लोगों ने इसके कई और भी इस्तेमाल यूज करना शुरू के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उसको। कभी आपने देखा होगा कि स्क्रू ड्राइवर है, उसका काम तो स्क्रू को पे अमल करना होता है ना, लेकिन बाज दफा स्क्रू ड्राइवर को उल्टा रख के लोग उसको हथौड़ी के तौर पे भी काम करना शुरू कर देते हैं। तो मुख्तलिफ चीजों के मुख्तलिफ काम हो सकते हैं, और यूजर पे डिपेंड करता है कि यूजर किस काम के लिए यूज करेगा उसे। तो एक तो इन्वेंशन की चीज होती है कि कोई भी प्रोडक्ट अपना असल इस्तेमाल हो रहा, और दूसरा वो है जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन दुनिया में वही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कामयाब होती है जो के मुख्तलिफ हो दूसरी प्रोडक्ट से, नंबर वन। नंबर टू, वो ऐसी चीज हो जो कि इंसान की किसी मुश्किल को आसान कर दे। कोई मुश्किल चीज है उसको आसान कर दे। तो जब आप कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल करते हैं जो मुश्किल चीज को आसान कर दे ना, वो होती है असल इन्वेंशन। आप ये बताएं मुझे, अगेन मैं फिर कहूंगा एक दफा, प्लीज अपना अपना वीडियोज ऑन कर दें, मुझे आसानी होती है फिर बात करने में, वरना बहुत मुश्किल होता है मुझे ब्लैक स्क्रीन्स देखते हुए। प्लीज अपना अपना वीडियो ऑन कर दें। तो जब मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से, आप ये बताएं मुझे कि अगर आपको एक मच्छर काटे, मच्छर काटता है ना, तकलीफ होती है, एक चूंटा काट ले, तकलीफ होती है। अब ये बताएं कि अगर आपको मच्छर काट रहा हो, या अगर आपने कभी शार्क देखी है, शार्क मछली जो होती है, शार्क मछली का अगर आपको बाइट करे, अगर वो काटे, कौन सा बड़ा बड़ा वाला बाइट होगा, कौन सी ज्यादा तकलीफ दे चीज होगी? शार्क हर वाली यकीन तौर पे कोई शक की बात ही नहीं है भाई। मच्छर ने काटा, आपने खुजा के छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो दफा काट ला, चार दफा काट लिया, उसके बाद आपने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़कियां बंद कर दी, काम हो गया। तो दुनिया में भी इसी तरीके से जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या तो वो होते हैं शार्क बाइट, या वो होते हैं मॉस्किटो बाइट, या तो मच्छर का काटना होता है या शार्क का काटना होता है। अगर तो आपने कोई ऐसा दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्व किया जो कि शार्क बाइट है, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जो कि बहुत ज्यादा तकलीफ दे है, आपने आपने उसको सॉल्व कर दिया, वो जो आपकी इन्वेंशन होगी ना, वो सबसे कामयाब इन्वेंशन होगी। याद रखें, इन्वेंशन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कि ये बेहतरीन चीज होगी दुनिया के लिए। इन्वेंशन वो सबसे अच्छी है जो कि दुनिया समझे कि ये हमारे काम आ सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? मिसाल के तौर पे अगर मैं अभी आप यस लोगों से पूछूं कि आप लोगों को में से कितने लोगों को मच्छरों के काटने से प्रॉब्लम है, कितने लोग हैं, जरा थम्स अप या थम्स डाउन करें कि आपको मच्छरों के काटने से प्रॉब्लम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है ना। अब आपके पास यकीनी तौर पे इसका कोई ना कोई सलूशन मौजूद होगा। क्या क्या सलूशंस हैं इसके? एक तो वो स्प्रे आता है, एक कॉइल आता है,
है, ये तो हो गए उनके मारने की तरकीबें। फिर एक होती है प्रिकॉशनरी तरकीबें, क्या कि जिनसे वो हो ही नहीं, मच्छर क्यों पैदा होता है, अगर आप उसको ही खत्म कर दें, उसका रूट खत्म कर दें, तो आप उसको मुस्तकिल तौर पे खत्म कर सकते हैं। तो अगेन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को दो तरीके से एड्रेस किया जाता है। एक तरीका क्या होता है कि आप उसको जड़ से उखाड़ के फेंक दें, इसको कहते हैं उसका रूट कॉज निकाल कर उसको खत्म कर देना। अच्छा, अब जो मेंटर्स बैठे हुए हैं ना, जो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं नए नए, ये रूट कॉज हो गया, ठीक है ना, तो आप अपने तौर पे जब आप अपने स्टूडेंट से बात करें तो आप उनको ये बात समझा सकते हैं और डिटेल में कि क्या मतलब होगा रूट कॉज का। जब हम एक चीज ही चीज के रूट कॉज पे पहुंच जाते हैं तो वो किस तरीके से हम उसको मुस्तकिल तौर पे एलिमिनेट कर सकते हैं, या हम बेस्ट तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे वो इलिमिनेट हो जाए या खत्म हो जाए। हम इस प्रोग्राम के अंदर आपको वो टेक्निक सिखाएंगे जिससे आप ये मालूम कर सकेंगे कि किस तरीके से आप कोई प्रॉब्लम को एलिमिनेट कर सकते हैं रूट कॉज मालूम करने के तरीके से। तो हम आपको सिखाएंगे किस तरह से रूट कॉज मालूम किया जाता है, कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं, हम मालूम करते हैं कि क्या क्या रूट कॉज है। तो आज नेक्स्ट 15 मिनट के अंदर जो हमारे पास रह गए हैं आज की क्लास के, उसमें हम एक एक्सरसाइज करेंगे, और उस एक्सरसाइज में मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे ये बताएं, ऐसा प्रॉब्लम बताएं मुझे, आप लोग सोचिए पहले, ऐसा प्रॉब्लम्स एक हो, दो हो, तीन हो, इस इररेलेवेंट है, वो कितने ढेर सारे भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम वो होता है जो सिर्फ आपको होता है, एक प्रॉब्लम वो होता है कि जो आपको और आपके घर वालों को होता है, एक प्रॉब्लम वो होता है जो आपको आपके घर वालों को और आपके के मोहल्ले वालों को होता है, एक वो होता है जो आपको आपके घर वालों को, आपके मोहल्ले वालों को और आपके पड़ोस के मोहल्ले वालों को होता है, फिर एक प्रॉब्लम ऐसा होता है जो कि आपकी सिटी का प्रॉब्लम होता है, फिर ऐसा प्रॉब्लम होता है जो आपके कंट्री का प्रॉब्लम होता है। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक अप्रोच करता है प्रॉब्लम को। तो ये कहते हैं ना, मेरा हाथ जहां तक जा सकता है ना, जब मैं स्ट्रेच करता हूं, जहां तक मेरा हाथ जा सकता है आखिरी तक, बस वही जगह है जहां तक मैं कोई चीज को उठा सकता हूं, इसको कहते हैं रीच, REACH। तो रीच क्या है आपकी, जहां तक आपका इस आपकी कुव्वत है बाजू, या आपकी जो स्ट्रेंथ होती है आपकी, वो स्ट्रेंथ आपकी कहां तक की है, किस चीज को आप बदल सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के पास कौन सा प्रॉब्लम है जो आप समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व होना चाहिए। ये नहीं सोचिएगा कि बस वैसे आप वो सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसको नहीं सोचिए अभी। अभी सिर्फ ये सोचे कि मैं एक प्रॉब्लम देखता हूँ, ये वाकई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और हम मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। तो सोचें थोड़ी देर के लिए, और जिसको पहला समझ में आ जाए वो अपना हाथ प्रेस कर ले। ऐसा प्रॉब्लम जो आप देख रहे हो, आप गुजर रहे हो, आप देखते हैं दूसरे लोग गुजर रहे हैं उस प्रॉब्लम से, और वो ऐसी चीज है जिसको आप चाहते हैं सॉल्व करना। हमजा आप बताइए प्लीज। एक बहुत बड़ा इशू जो है अभी हम फेस भी कर रहे हैं, और अभी ड्यूरिंग सेशन भी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा इशू है इलेक्ट्रिसिटी का, और इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर ये सॉल्व हो जाता है तो हमारे बहुत सारे मैटर्स जो है सॉल्व हो सकते हैं, इवन एजुकेशन के लिए, कि हम अपना टाइम जो है एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा दे सकें, क्योंकि अब
इंटरनेट बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटरनेट के बिना आप इस तरह से स्टडीज नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको फिर इलेक्ट्रिसिटी लाजमी चाहिए। लेकिन हम इस वक्त ये इशू बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का इशू है हमारे पास। तो एक इश्यू आया है कि लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी की कमी, या उसका जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस आना, मुस्तकिल आना उसका, या उस मुस्तकिल अवेलेबल होना, वो नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई मुझे, बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इब्राहिम आप बताइए। आई वुड से कि फ्यूल सोर्स, क्योंकि अगर आप देखें तो करंटली हमारे पास जो सबसे बड़ी फ्यूल सोर्स है लाइक पेट्रोल डीजल वगैरह, ताकि हम से बिजली बनाएं या गाड़ियां चलाएं या ट्रांसपोर्ट किसी भी तरह से करें, और एज वो फॉसिल फ्यूल पोल्यूट भी करता है एंड वो जो है लाइक खत्म भी हो रहा है इस दुनिया से। सो लाइक एन ऑल्टरनेट वे ऑफ यू नो ना कोई भी मशीन दैट विल गिव मोशन या क्रिएट ट्रांसपोर्ट या फिर जैसे कोई भी इंजन होता है। तो ये मतलब ये हुआ कि जनाब हमारे पास दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास चीजें हैं मशीनों को चलाने के लिए, वो बहुत लिमिटेड नंबर में है। उसमें चाहे आप ऑयल को कह लें या गैस को कह लें, सबसे ज्यादा ये दो यूज होती हैं, ठीक है ना। इन्हीं दोनों से हम तीसरी चीज बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चौथी चीज जो होती है वो न्यूक्लियर है, जिससे हम बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जिसको भी यूज कर सकते हैं मशीनों को चलाने के लिए। तो रिसोर्सेज की कमी है, और बकौल इब्राहिम के जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज हैं, ऑयल और गैस, ये पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, ये आलूदगी क्रिएट करती हैं एटमॉस्फेयर में, और उस आलूदगी के कई नुकसान होते हैं, और वो अब हमको बहुत अच्छी तरह से मालूम है उनके नुकसान। और सबसे बड़ा नुकसान जो है उसका आप लोग देख रहे होंगे अपने मुल्क के अंदर भी, और कराची शहर के अंदर खास तौर पे, जो आपको एकदम से, जो आपको एक क्लाइमेट के अंदर एक चेंज नज़र आता है ना। यानी कि मैं जब पाकिस्तान में था, तो मुझे, हम बचपन में आपकी उम्रों से भी छोटे थे जब हम, तो हमें याद नहीं पड़ता कि हमारे पास हर साल बारिश होती हो। हम बारिश का इंतजार करते थे, दो दो तीन तीन चार चार साल तक बारिश नहीं होती थी, ठीक है ना। ये जो एकदम से बारिशें होनी शुरू हो गई हैं, और इतनी खतरनाक अंदाज से, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। और उस क्लाइमेट चेंज की एक बहुत बड़ी वजह, जैसे इब्राहिम बता रहे थे, ये पोल्यूशन है ना, ये है। ओके, एक और हमारे पास आ गया। तो पहला इलेक्ट्रिसिटी था, दूसरा हमने कहा रिसोर्सेज जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज को डिप्लीट हो रही हैं, जो कि बड़ी तेजी से उसके बारे में सोचना होगा कि क्या क्या चीज होगी जिससे हम एनर्जी हासिल करेंगे। और हम, आप बताइए। वैसे तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में और कराची में वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने नोटिस की कि जो कार एक्सीडेंट्स होता है, ठीक है, वैसे तो कार एक्सीडेंट सिर्फ पाकिस्तान या कराची का मसला तो नहीं है, लेकिन ये पूरी ही मतलब ग्लोबल इशू है कि मतलब कार एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन इफ अगर अगर हम कोई ऐसे मटेरियल से कार्स बनाएं जो जिससे ज्यादा डैमेज ना हो, जिससे जो पैसेंजर और जो ड्राइवर्स हैं उनको उनपे कोई असर ना हो, उनको अगर कुछ अगर टकरा भी जाए, कुछ हो भी जाए तो ज्यादा डैमेज ना हो। चलिए, बहुत अच्छा आपने एक बात बताई। लेकिन अब देखें, आप लोग सब इस बात को नोट करें, जब हमने अपना प्रॉब्लम बताना शुरू किया, तो प्रॉब्लम जो था वो क्या था, वो था कि गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है। प्रॉब्लम क्या था कि लोग जख्मी होते हैं, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ और हमने एक काम और करना शुरू कर दिया अपनी बातचीत में, और वो क्या था कि उन्होंने उसका सलूशन जो था ना, मसले का हल, वो भी बयान करना शुरू कर दिया। याद रखिए, कभी भी प्रॉब्लम के साथ उसका सलूशन बयान नहीं करते हम। हमेशा जब हम आपसे कह रहे हैं कि सिर्फ प्रॉब्लम बताएं, और एक और बात लिख लें कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं अब आपको, दुनिया का कोई एक प्रॉब्लम होगा ना, दुनिया का कोई एक प्रॉब्लम आपका हो किसी का भी हो, उसका कभी भी एक सलूशन नहीं होगा, उसका बहुत सारे सलूशंस होंगे। इस वजह से हम जब कभी भी कहते हैं कि प्रॉब्लम बताएं, तो कभी भी उसका सलूशन नहीं बताना चाहिए, सिर्फ प्रॉब्लम बता के खामोश। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सीडेंट्स होते हैं और वो लोगों को जख्मी करते हैं, इंजर करते हैं। गुड। विशाल और अहमद आप बताइए। जी सर, मैं कह रहा था क्या नाम है, ज्यादा टैक्सीज बढ़ रहे हैं, इस वजह से क्या नाम है, पाकिस्तान में एक्सपेंसिविटी ज्यादा बढ़ रही है। इसी वजह से रिसेंटली टोयोटा और होंडा ने पाकिस्तान से कॉन्ट्रैक्ट, कराची से कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, और बाय द एक्सपेंसिविटी पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें महंगी हो गई हैं, जिससे लोगों को चीजें खरीदने में परेशानी होती है। अच्छा, तो अब मुझे बताइए कि एक्चुअल प्रॉब्लम कौन सा है। सर प्रॉब्लम ये कि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्सीस ले जा रहे हैं, इसी वजह से एक्सपेंसिविटी बढ़ रही है। तो टैक्स ज्यादा होना एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना? टैक्स यस करना एक प्रॉब्लम है। अच्छा, उसकी वजह से महंगाई हो रही है, राइट? तो यस महंगाई एक प्रॉब्लम है, राइट? जी और कोई यस बताए भाई इसके अलावा कोई और? कम ऑन, आप लोगों के पास तो ज्यादा होने चाहिए भाई, आप लोगों को तो मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं। जुबैर साहब आप बताएं यार कुछ। जुबैर साहब, ये फायदा होता है मुझे जब मैं ना तस्वीर देख रहा होता हूँ तो मुझे अंदाजा होता है कि किससे बात करनी चाहिए। अच्छा, दाऊद रिजवान आप, हाँ, फंसी बताएं बेटे। सर, एक बड़ा प्रॉब्लम जो ये है कराची का स्पेशली, के बारिश के दिनों में पीएमटी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाते हैं। अभी भी मैं इस वक्त बैठा हूँ जौहर में और बिल्कुल जस्ट अभी पीएमटी यहाँ पे ब्लास्ट हुआ और लाइट आउट हो गई है यहाँ पे। तो ओके कुछ ऐसा प्रोटेक्टिव कॉज ज़रूर होना चाहिए कि पीएमटी हमारे बारिश के टाइम में फटने से बचें। ओके, तो प्रॉब्लम क्या थी कि जो पीएमटी जो होती है वो ब्लास्ट होती है, तो एक्चुअल पीएमटी की प्रॉब्लम बिल्ड वो ये क्वालिटी है कि बहुत बिजली कम है, नहीं आ रही। बहुत हल्की है। हाँ, बिजली नहीं आ रही, ठीक है। असल बात क्या है कि बिजली नहीं आ रही। बिजली क्यों नहीं आ रही? कि मोहल्ले का जो पीएमटी है ट्रांसफार्मर उड़ गया है, ठीक है। अब तीसरी दफा पूछें जरा इसी सवाल को, ट्रांसफार्मर क्यों ब्लास्ट हुआ, उसकी क्या वजूहात है, ठीक है ना? तो इस तरह हम वजूहात की तरफ जाते हैं। तो अगेन द प्रॉब्लम जो अभी आपको है वो ये है कि लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, जो हमने पहले किया था। उसकी अब कई वजूहात हो सकती हैं। एक वजह जो आपने बयान करी वो क्या थी कि पीएमटी फट गया, ठीक है। और बताएं जनाब। यार जुहेब साहब आप तो बता दें कुछ, अपने म्यूट कर रखा है अपने आप को यार। जुहेब साहब नहीं, अभी बहुत मशरूफ हैं वो। हाँ, अब देखें इसी को, इसी चीज को आप एक और स्टेप आगे लेके जाएं जरा प्लीज आप लोग, और सोचें इसके बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में। और मैं चाहूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप कम से कम हर आदमी, हर टीम नहीं कह रहा मैं, हर आदमी, हर हर इंडिविजुअल आप में से जो जो है, हर एक पांच पांच प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे हमारे पास। क्या करना है आप लोगों को? पांच प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, किस तरह करेंगे आप लोग आइडेंटिफाई? एक प्रॉब्लम उनमें से हमेशा ऐसा होना चाहिए, मिनिमम एक प्रॉब्लम जो आपका, आप फेस कर रहे हो और आप समझते हो कि आप जैसे या आपकी उम्र के दूसरे लोग भी उस तरह के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। याद रखें, कौन फेस कर रहा है? आप और आपकी हम उम्र। अब जैसे बिजली है, बिजली का प्रॉब्लम सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है,
आपकी अम्मी का भी प्रॉब्लम है, आपके अब्बू का भी प्रॉब्लम है, आपके चचा का भी प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले वालों का भी प्रॉब्लम है। तो ये वाला प्रॉब्लम पहले वाले उसमें नहीं आया कि आपका इंफरादी प्रॉब्लम है या आपके हम उम्र का प्रॉब्लम है। जैसे मेरा, मैं बताऊं, मैं इतना बुढ़ा आदमी हूं तो मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं जब उठने की कोशिश करता हूं तो मुझे उठने में तकलीफ होती है, मेरे घुटनों में तकलीफ होती है, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉब्लम है कि मेरे घुटनों में तकलीफ होती है। क्या वजह है कि मेरी उम्र के लोगों के अंदर घुटनों का प्रॉब्लम बहुत आम है, ठीक है ना। अब ये मेरा प्रॉब्लम हो गया और मेरे हम असर या मेरे हम उम्र लोगों का प्रॉब्लम है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। एक मिनट, मेरे पास कोई कॉल आ रही थी, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम आपका, जो पांच में से पांच प्रॉब्लम आपको लोग बनाने हैं, उनमें से एक प्रॉब्लम जो होगा वो क्या होगा, जो आपका और आपकी जैसे उम्र के लोगों का हो, और बाकी प्रॉब्लम जो हो सकते हैं इसी तरीके से आप पांच अलग से प्रॉब्लम डिफाइन करें। हो भी सकता है कि एक से ज्यादा प्रॉब्लम आपके अपने हो, वो भी चलेगा, लेकिन पांच प्रॉब्लम लेके आने हैं आपको। हाँ जैनब, आप बताएं बेटा। सबसे पहले कराची का एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत खराब है, जो छुट्टियां देनी नहीं चाहिए वो भी छुट्टियां दे देते हैं। जैसा बारिशों वगैरह की वजह से, यानी हमारे हमारे स्कूल जैसे, यानी बारिशों में तो सब है, अब चेलम वगैरह की छुट्टी जो नहीं देने की होती वो भी दे देते हैं। पहले अब ये क्या प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम असल क्या है कि एजुकेशन अच्छा एजुकेशन सिस्टम का प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और क्योंकि उसका बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसकी वजूहात, एक वजह जो आपने बयान करी वो क्या है कि बहुत ज्यादा छुट्टियां होना, ये एक एक इशू है। इस तरह के कई इशू हो सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी चीज होती है जो आपको याद रखनी चाहिए कि एक प्रॉब्लम जो होता है ना, जैसे मैंने बताया था उसका एक सलूशन नहीं हो सकता, उसी तरह से किसी एक प्रॉब्लम की कोई एक वजह नहीं हो सकती, कई वजूहात की वजह से वो प्रॉब्लम बना है। तो उसकी वजूहात को भी अगर आप एड्रेस करते हैं, उसकी वजूहात को भी अगर आप खत्म करते हैं, तो वो भी आपका एक सोल्यूशन बनता है, वो भी आपका एक प्रोडक्ट बनता है, वो भी आपकी एक सर्विस बनती है। तो याद रखें, प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि कोई चीज जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि खाना बनाने की सर्विस है, ठीक है ना, लोग खाना बना के आपको बेचते हैं। तो जो होटल है जहां से, या रेस्टोरेंट है जहां पे ये बिक रही होती है, वो तो प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जो वो बना रहा है खाना, वो एक सर्विस है। तो आप इन्वेंशन के अंदर सर्विस भी ला सकते हैं और आप इन्वेंशन में प्रोडक्ट भी ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के अंदर हमने जो बात समझी वो ये क्या समझी, नंबर वन कि प्रॉब्लम जो होता है वो इंडिविजुअल का भी हो सकता है और एक सोसाइटी का भी हो सकता है, नंबर वन। नंबर टू जो हमने बात सीखी ये कि एक प्रॉब्लम का कोई एक सोल्यूशन नहीं होता, बल्कि एक प्रॉब्लम के कई सोल्यूशन होते हैं। तीसरी बात हमने ये सीखी कि एक प्रॉब्लम के कई वजूहात होती हैं। पांचवी बात हमने ये सीखी कि प्रॉब्लम जो होता है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो उस सॉल्व करने के साथ हम या तो एक सर्विस क्रिएट करते हैं या हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। जितना बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे उतनी ही बड़ी हमारी इन्वेंशन होगी। जितना बड़ा प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया उतनी ही आपकी प्रोडक्ट की वाह वाह होगी और वो ज्यादा बिकेगा। जितनी आपने उसको प्रॉब्लम कम प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी उतना ही वो नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रॉब्लम हो वो लाखों के लोगों के अंदर प्रॉब्लम आए, वो हजारों के अंदर भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट काम आपका ये है कि नेक्स्ट क्लास के लिए आप तैयार होके आएंगे पांच प्रॉब्लम लेके, हर एक पांच प्रॉब्लम लेकर आएगा, और वो पांच प्रॉब्लम जो है आप क्लास से एक दिन पहले
ठीक है, क्लास से एक दिन पहले मैं आप उसको व्हाट्सएप के ऊपर या आप हिफ्जा मैं आपको डीएम करवा लें फिर इसको, ताकि एक दूसरे को देख नहीं सकें पहले ये लोग, फिर हम बाद में इनको दिखाएं, ठीक यस सर। है ना? तो आप हिफ्जा को ये बता देंगी कि कहाँ भेजना है आप लोगों को, हो सकता है कि हम इसको डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर डलवा दें, ठीक है ना? हमारे पास बनी भी है वेबसाइट, उस वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट इन लोगों से डलवा दें, ये भी हो सकता है। यस सर। तो उसमें आप लोगों को करना ही होगा, पहला काम होता ही है, हम जो आज काम कर शुरू किया डे टू डिजाइन का, उसमें सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है हमारा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए इसके पे बात करी है, नेक्स्ट वीक हम इसके ऊपर सबसे ज्यादा बात करेंगे और एक एक से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आपका पहला काम क्या है जो आप लोगों को भेजना है, कोई बताएगा मुझे आप में से? पहला काम क्या करना है आपको? फाइव प्रॉब्लम्स भेजनी फाइव प्रॉब्लम भेजनी है, उन फाइव प्रॉब्लम्स में कौन सी खूबी होनी चाहिए? हाँ कौन सी खूबी होनी चाहिए उन फाइव प्रॉब्लम्स की? अपने आप फेस कर सके। एक जो वो है जो कि हम फेस कर रहे हैं या हमारे जैसे और बच्चे या आपकी उम्र के बच्चों को फेस हो रहा है, मिसाल के तौर पे अम्मी बहुत डांटती हैं, ठीक है ना? आप मुझे बता दो कि ये बात आप जैसे सब सब बच्चों में है या नहीं है, है या नहीं है? है ना? अम्मी बहुत ज्यादा डांटती हैं और वो ही सबसे ज्यादा मारती भी है, अब्बू नहीं मारते। अब ये जो है ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम तो है ही है, लेकिन आप जैसे तमाम बच्चों का प्रॉब्लम है और इसका सलूशन हम लोगों के पास नहीं है तो इसको लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम तो है। इब्राहिम आप बताएं। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन ये था कि हम कोई इस तरह की प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं जो हम एज चिल्ड्रन एज बच्चों को भी फेस हो रही हो, बल्कि जो है ना ओवरऑल सोसाइटी को भी फेस हो रही हो, मगर स्पेसिफिकली हमें भी कर बिल्कुल, तो हमने सकते कहा ना कि पांच प्रॉब्लम्स लाने हैं आपको, उसमें से सिर्फ एक प्रॉब्लम ऐसा होना चाहिए जो आप पर्सनली फेस कर रहे हो और आपकी उम्र के लोग फेस कर रहे हो, बाकी चार जो हैं कोई से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, वो सबको भी हो सकता है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जिसको हम कहते हैं छोटी सी पॉपुलेशन को होता है, मिसाल के तौर पर कोई गोट है वहां पे पानी नहीं है, ठीक है ना? अब वो उस गोट का प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा, ये आपके पूरे मोहल्ले का प्रॉब्लम है, ठीक है? आप जो हैं आपके मोहल्ले से लेकर जो मेन रोड है जहां पे आपको ग्रीन बस वगैरह मिलती है वहां तक पहुंचने का आपके पास कोई जरिया नहीं है, आपको पैदल जाना पड़ रहा है, ये एक आपका प्रॉब्लम नहीं है बल्कि आप जैसे बहुत तमाम लोगों का प्रॉब्लम है जो उस इलाके में रह रहे हैं। ये तमाम जो प्रॉब्लम्स होंगे ना ये आप डाल सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि प्रॉब्लम्स डिफाइन करें अपने दिमाग में और फिर उसके साथ साथ जब आप लिख लें तो उसके बाद सोचना शुरू करें इसका सोल्यूशन क्या मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये जरूर सोचिएगा आखिर में। हाँ उज, 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 उजैर जी सर। अपने हाथ उठाया हुआ था सर मैंने। वो जी सर मेरी एक बहुत जरूरी मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम लग रही है मुझे, जो अभी भी मेरे साथ हो रही है, वो है नेट इशू। अभी यहाँ पर ना ज्यादातर सर्विस दी हुई है नेट की, आसपास टावर है, लेकिन मुझे नेट नहीं मिलता। और वैसे भी मैंने इसके बारे में एक दफा सोचा था, तो मैंने यही सोचा था कि ये वायर्स के थ्रू बिछाते हैं, तो सैटेलाइट के जरिए सीधा टावर में जाएगा सिग्नल, तो हमें जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वायर्स के थ्रू थोड़ा टाइम लग सकता है। अच्छा, अब आपने देखे अगेन सॉल्यूशन निकाल लिया और प्रॉब्लम वहीं पे रहा। प्रॉब्लम क्या था कि आपको डेटा
एक्सेस करने में या कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है, यही हुआ ना, कनेक्टिविटी का जी सर, प्रॉब्लम है। उसकी एक वजह आपने कहा, डिफाइन करके आपने कहा कि अगर मैंने इसको सॉल्व कर दिया तो ये सॉल्व हो जाएगा, और हम यही बताएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास के अंदर कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें प्रॉब्लम डिफाइन करें पहले, सिर्फ ये छोड़ दें कि उसका सोल्यूशन क्या होगा, प्रॉब्लम डिफाइन करें। तो प्रॉब्लम अच्छा डिफाइन करा आपने ये वाला, कि एक आपको वो नेटवर्क, अगेन आप लोग माशाल्लाह से बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊं कुछ प्रॉब्लम जो क्या हमारे यहाँ बच्चों ने यहाँ पे सॉल्व करे। आप में से मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि बच्चों को ये अम्मी अब्बू बड़ा सही का तंग करते हैं अगर वो अपना कमरा साफ नहीं रखें। तो दो बहनें या तीन बहनें एक कमरे में रह रही हैं, अब सफाई करनी जरूरी है, ठीक है ना। कपड़े इधर उधर नहीं होने चाहिए, लटके होने चाहिए। तो अम्मी और जो होती हैं ना खास तौर पे, वो कमरे में झांकती हैं और एक दफा जरूर डांट पड़ती है, दूसरी मरता डांट पड़ती है, तीसरी मरता चांट पड़ता है। बच्चे बड़ा घबराते हैं इससे कि अम्मी डांटेंगी। क्यों डांटेंगी? इसलिए कि वो कमरा साफ नहीं है। तो हमारे यहाँ एक बच्चे ने क्या किया, या एक दूसरा होता है कि कमरे से निकले, लाइट बंद करना भूल गए, या पंखे को बंद करना भूल गए, होता है ना ये प्रॉब्लम। अब आपकी उम्र जो है, फर्ज करें आप चौथी क्लास के अंदर हैं या तीसरी क्लास के अंदर हैं, तो एक जो बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि हम भूल जाते हैं। इस तरह की उम्र के बच्चे ना भूल जाते हैं, जल्दी में होते हैं ना। अभी जुहेब साहब को मैं इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, जुहेब साहब गायब है, ठीक है ना, अभी तक गायब है वो बोल ही नहीं रहे कुछ, ठीक है, आज भी रहे, और इसका मतलब आवाज तो जा रही है उनको, लेकिन वो बोल नहीं रहे, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है कि हम, उस बच्चे ने क्या किया, उसने कहा यार ये तो सबका ही प्रॉब्लम है। तो एक दूसरी क्लास के बच्ची ने क्या किया प्रॉब्लम, उसने कहा कि ये प्रॉब्लम होता है कि जब मैं निकल रही होती हूँ ना कमरे से, मुझे याद ही नहीं रहता कि मुझे बत्ती बंद करनी है, स्विच ऑफ करना है, ठीक है ना। तो उसने क्या करा, अपनी गुड़िया ली और गुड़िया के अंदर उसने एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर लगाया, और वो क्या कर रही है गुड़िया, उसमें छोटा सा कैमरा है, वो जैसे ही देखती है कि वो बच्ची कमरे से बाहर निकल रही है, और जैसे ही वो कम दरवाजे पे पहुंचती है तो वो पूछती है उससे, क्या तुमने दरवाजे वो लाइट बंद कर दी, वो सिर्फ ये पूछती है उससे। तो बच्ची को फौरन याद आ जाता है कि लाइट बंद करी या नहीं करी। अच्छा, एक ने क्या बनाया, उसने एक छोटा सा कैमरा लगा दिया छत के ऊपर, और उसने पहले तो ये मशीन लर्निंग का था, ये 5वीं क्लास की बच्ची थी, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये मैं अगर कैमरा ऊपर लगा दूं जहाँ पे पंखा लगा हुआ है, तो अब ये कैमरा मॉनिटर कर रहा है, ये कैमरा मॉनिटर कर रहा है मेरे पूरे कमरे को। तो तीनों बहनों ने कहा कि अब अगर ये वाला हिस्सा तुम्हारा है, ये वाला हिस्सा मेरा है, और ये वाला हिस्सा किसी और का है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने मशीन को, कंप्यूटर को ट्रेन कर दिया कौन सा कमरा खराब होगा और कौन सा कमरा साफ होगा, ठीक है ना, सफाई और नॉन सफाई के अंदर उन्होंने कर दिया। अब जब वो बाहर निकल रहे होते हैं ना, तो फौरन जो कंप्यूटर होता है वो बोलता है उनसे कि जो आयशा है उसका उसकी साइट खराब है, उसको सफाई करो। तो आयशा का काम हो गया कि वो सफाई करेंगी। अगर अकेले रह रहे हैं तो वो निकलने से पहले कहेगा कि कमरा साफ कर लो वरना अम्मा डांटेंगी। अब क्या हो रहा है, ये छोटा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इससे क्या हुआ कि आप इस प्रोडक्ट को बना के बेच सकते हैं, इसलिए कि ये प्रॉब्लम है, ये होता है, और खास तौर पे छोटे बच्चों में होता है। क्यों होता है, इसलिए कि वो सीख रहे होते हैं। जब अम्मी बार बार कह रही होती है ना आपको, तो वो डांटने की वजह से नहीं कह रही होती है, वो समझाने की वजह से कह रही होती है कि आप सीखें इस बात को कि कमरे से बाहर निकलने से पहले लाइट बंद करें, ये सिखाने का मकसद होता है। तो हम, हमारे पास क्या होता है, दो तरीके होते हैं सीखने के। एक तरीका यह है कि हमें कोई इंसान सिखाए, और दूसरा यह है कोई हमको मशीन सिखाए।
तो ये एक मशीन सिखा रही है आपको। इसी तरह लोग जो होते हैं वो वक्त पे चीजें करना भूल जाते हैं, खासतौर पे जयीफ लोग, मुझ जैसे। दवाई खानी है हमको एक वक्त के ऊपर, और वो दवाई हमने खाना भूल गए, हमको कोई बताने वाला भी नहीं है। अब दवाई का बक्सा जो होता है ना, वो खुद चीख चीख के कहता है मुझे दवाई तुम्हारी रखी हुई है, खा लो। समझ में आई? वो दवाई खा। एक्सीडेंट होते हैं। 2 साल पहले हमारे एक स्टूडेंट ने पाकिस्तान के अंदर ही एक, अब आपको मालूम है ना, गाड़ियां आजकल जो नई गाड़ियां आ रही हैं उसमें तो ये वाली चीज मौजूद है कि अगर गाड़ी आमने सामने आ जाए तो वो एक दूसरे को रोक, पहले ही रोक देगी, आपको रोकने की जरूरत ही नहीं है, गाड़ी आप खुद ही रोक देगी अपने आप को। ये मौजूद है हमारे यहाँ गाड़ियों में, यहाँ और पाकिस्तान, क्या दुबई वगैरह में, और पाकिस्तान के अंदर भी कई लोगों के पास ऐसी गाड़ियां हैं, लेकिन हर गाड़ी में नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन बच्चों ने, उन्होंने एक छोटा सा डिवाइस बनाया जो कि वो गाड़ी के सबसे आगे लग जाता है जाके। अब वो मैं क्या करता है, वो ये देखता है कि कोई सामने से चीज आ रही है, और अगर वो बहुत करीब आ गई है तो वो गाड़ी को खुद ब खुद ब्रेक लगा देता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब क्या हुआ, एक आप देखें कि कितनी गाड़ियां ऐसी हैं जिसके अंदर ऑटोमेटिक ब्रेक नहीं है, है ना? ऐसा कितनी गाड़ियां दुनिया में, आपके पाकिस्तान में कितनी गाड़ियां हैं, वो तमाम यूज कर सकती हैं इस तरह की डिवाइस को, और आप एक छोटी सी डिवाइस बना के बेचना शुरू कर दें। तो प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना, वो या तो बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे मैंने कहा था कि आपकी रीच से बाहर होते हैं वो, यानी कि आप उनको सॉल्व करना भी चाहें तो नहीं कर सकते। अब मैं टैक्स के ऊपर, जो टैक्स लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने, मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। हम चीख तो सकते हैं, हम बता तो सकते हैं, हम लिख तो सकते हैं डॉन अखबार के अंदर और दूसरे अखबारों के अंदर लेटर टू द एडिटर, लेकिन हमारा, हमारी जो बात की पहुंच है ना, वो ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी। तो सॉल्व वो प्रॉब्लम करें जो आपके रीच के अंदर हो। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम लोग ये करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि नेक्स्ट क्लास हम है ना सैटरडे को नहीं रख सकेंगे। मैं नेक्स्ट सैटरडेज जो होंगी मैं बिजी होऊंगा, एक और यहाँ पे क्लास इसी तरह की, जिस तरह आपकी क्लास है ना, मुझे इसी तरह की क्लास एक यहाँ पे रहनी पड़ती है इस वक्त। तो नेक्स्ट सैटरडे को तो नहीं सकते, हम लोग संडे को कर सकते हैं। तो आप लोग आपस में फैसला कर लें कि सैटरडे संडे अच्छा दिन रहेगा। दूसरा ये है कि टाइमिंग कौन से होने चाहिए, खासतौर पर अयूब साहब आप चेक कर लीजिए अपने बच्चों को कि क्या वहाँ पे जो ऐसे बच्चे आपके पास स्कूल आ जाएं, सब मिलके पढ़ लें एक जगह, और जो टीमें बनाएं, जब टीम बन जाए आपकी, तो आप लोगों को टीम तो बनानी होगी ना। जैसे मैंने अभी देखा कि अनम ने अपने बच्चों स्टूडेंट्स के साथ जो है उन्होंने एक टीम बना रखी है, पांच चार पांच स्टूडेंट्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले से तैयार करके रखेंगे आप किस किस के साथ काम करेंगे, ठीक है ना? तो आप लोग टीम बनाना भी शुरू कर दीजिए। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अकेले काम करना चाहें, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोशिश करें कि टीम के साथ काम करें, कोशिश करें। तो हमारे को बात समझ में आई, हमने आज क्या क्या सीखा, हमने आखिर में बताया आपको हमने क्या क्या चीज सीखी, आपको क्या क्या करना है नेक्स्ट वीक के लिए, और उसके लिए हमें स्केड्यूल किस तरह करना है, अपने आप को प्लान कैसे करना है कि हम किस दिन मिलेंगे, आप संडे संडे को मिला करेंगे, उमन कोशिश करेंगे इसी वक्त मिलें। अब इसमें हम, अब ये भी हमने देख लिया कि 7 बजे आप लोगों की नमाज होती है, तो हम 10 मिनट का वहां पे गैप दे सकते हैं, और हम 1:40 तक, यानी कि 7:40 तक जाएंगे। आज हम 7 मिनट ज्यादा हो गए, तो 1.5 घंटे का हम रखेंगे सेशन, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, अब जो टीचर्स हैं और जो मेंटर्स हैं, मैं उनको ये गाइड करना शुरू करूंगा नेक्स्ट क्लास से कि तो क्या आखिर में हम 5-10 मिनट उनके साथ गुजारा करेंगे जो मेंटर और टीचर्स हैं, कि उनको क्या करना चाहिए थ्रू आउट। और कोई सवाल, अब कोई चीज पूछनी है आपको जो समझ में नहीं आई, आपको असाइनमेंट अपना होमवर्क समझ में आ गया, जो आपको होमवर्क करना है सबको? एक ही आदमी ने जी सर, थम्स अप किया है, इसका मतलब है बाकियों को समझ में नहीं आया। 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5,
लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आप ये समझें, ये कहलाती है इंटरेक्शन, ये कहलाती है एंगेजमेंट। क्लास के अंदर आपको एंगेज होना पड़ता है। अच्छा टीचर वो होता है जो क्लास के स्टूडेंट्स को साथ लेके चलता है। तो एंगेज करें क्लास के अंदर लोगों को, तो ये सवाल पूछें उनसे, उनका रिएक्शन लें फौरन, ठीक है? और कोई बात जो करनी हो किसी को, वरना हम आज खत्म करेंगे। हम वैसे ही कुछ ज्यादा ही बढ़ा दिया हमने टाइम, 10 मिनट ज्यादा हो गए, ठीक है? चलो सही है, फिर इंशाल्लाह फिर बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।